मीडिया सरकार व समाज के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है और कोविड-19 महामारी के दौरान मीडिया ने लोगों को जागरूक करने और इस दौरान सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित वेबिनार के माध्यम से कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित वेबिनार के माध्यम से कहा कि कोरोना महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी इससे अछूता नहीं रहा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की सबसे बड़ी क्षति प्रिंट मीडिया को पहुंची है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि बड़े प्रकाशन घराने भी अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए विवश हो गए और कुछेक को अपने कर्मचारियों को वेतन में कटौती करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी मीडिया ने इस महामारी के दौरान लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि परस्पर विश्वास पैदा करने के लिए सरकारी एजेंसियों, मीडिया और लोगों के बीच में प्रभावी संवाद स्थापित करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण लोगों तक सबसे पहले खबरें पहुँचाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया ने हमेशा ही रचनात्मक भूमिका निभाई है और न केवल प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों बल्कि मीडिया की खामियों पर भी प्रकाश डाला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार वेब मीडिया के लिए नीति तैयार करने जा रही है, जिससे वेब पोर्टल के उचित प्रबंधन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सोशल मीडिया का उपयोग बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए तो ये लोगों के व्यवहार परिवर्तन करने और कल्याण में प्रभावशाली साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी वे समाज में सम्मान और आदर अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग मीडिया का सम्मान तभी करेंगे जब उन्हें लगेगा कि मीडिया उन तक बिना किसी तोड़ मरोड़ के सही सूचना पहुंचा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सबको राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से और अपनी सरकार की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे संकट के क्षण में भी हमने आपस में जब हम मिलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस नए दौर में, इस नए संकट में फिर भी आज के इस दिन को इस प्रकार से मनाएं ताकि हम सब लोग महसूस करें कि आज के बदली हुई परिस्थितियों में भी हम सब लोग जो है जुड़ करके बात कर सकते हैं। सत्य है कि एक वायरस जिस को हम खुली आंख से देख नहीं सकते हैं, उसने पूरे विश्व में एक नहीं अनेक परिस्थितियों को जो है इस प्रकार से बदल करके रख दिया है। ये मात्र पत्रकारिता का ही विषय नहीं, मनुष्य का जीवन का तौर तरीका बदल दिया। मनुष्य का घर के अंदर, घर से बाहर, सारी परिस्थितियों में परिवर्तन। दुनिया का कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है, दुनिया में कोई चीज नहीं है जो इस वायरस की वजह से प्रभावित नहीं हुई है। इसका प्रभाव हर जगह देखने को मिला है, एक देश में नहीं पूरी दुनिया में मिला है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से पत्रकारिता जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उससे प्रभावित हुई है, इसमें दोराय नहीं। इस बात को देखते हैं कि इस बदली हुई परिस्थिति में भी आप लोगों ने निर्भीक होकर के अपने जीवन को संकट में डाल करके, जब मालूम है कि ये वायरस है, कहीं भी आपका कॉन्टेक्ट इससे हो सकता है, संक्रमित हो सकते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी कठिन और अलग तरह की परिस्थितियों में जो है पत्रकारिता आवश्यक है, हमको लोगों के समक्ष सारी बातों को ठीक प्रकार से रखना है, इसलिए अपने जीवन को भी जोखिम में डाल करके उन्होंने काम किया। इस दौरान सिटी चैनल की संवाददाता आरती शर्मा ने भी पत्रकारों से निष्पक्ष, निर्भीक, सत्य पत्रकारिता को करने की अपील की। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार धनंजय शर्मा, संजीव शर्मा, रविंद्र मखैक और जेएम शर्मा ने भी संवाद सत्र में हिस्सा लिया।
इस मौके पर हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, शिमला प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल हेडली, पत्रकार पराक्रम चंद्र, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की संयुक्त निदेशक आरती गुप्ता और महेश पठानिया भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।